ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो मैनुअल डिकम्प्रेसर होता है ये मैंने खोल दिया है। ये कुछ यहाँ से ऐसे होता है, ये देखो, ये अगर ऊपर से दबाएंगे तो ये नीचे से खुल जाएगा। ये यहाँ से जो अंदर की जो चैम्बर की हवा होती है वो यहाँ से निकाल के और एग्जॉस्ट से निकाल देता है। इसका ये फंक्शन होता है। और इसको हम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है और इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बने थे इसलिए मैंने कहा चलो मैं बना देता हूँ। मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे इसका जो है एक स्प्रिंग लगा होता है और वो इस चीज़ को ना वो ऊपर खींचा होता है, और एक जो तार वायर होती है वो उसको जब हम दबाते हैं तो वो जो चीज़ है वो इसको यहाँ से खींचती है, जो कि आप यहाँ से देखते हैं ये वाली जो वायर है ना, यहाँ से इसको जब खींचती है ये इसको यहाँ से, तो ये इधर चले जाता है और इधर होने से ये अंदर की जो इंजन की जो हवा आती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है एग्जॉस्ट में से, इस रूट से यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये है इसका सिस्टम। इसका एक वॉशर सी लगी होगी जो इसको और जिसको ऊपर रखने के लिए, ये इसको और स्प्रिंग के साथ ना कनेक्ट करती है इस चीज़ को ताकि ये ऊपर रहे। और उसको निकालना जो है वो कोई यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा वो उससे निकालने के लिए बोला हुआ था कि ये निकलेगा प्लास से, पर ये प्लास से नहीं निकलता, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से स्क्रू से निकल जाता है, जो ये वाला स्क्रू होता है कंपनी के साथ। इसका जो दूसरे वाला होता है ना ये उससे खुलेगा और यहाँ से अंदर तक आप देख सकते हो इसके जो है ये नट से है। ये मैं पूरा अच्छी तरह से साफ़ करूँगा, ये कार्बन जमा हुआ है बहुत सारा, आप देखो। ये वाली जो चीज़ है ये वहाँ पर आएगी, ये यहाँ पे, ताकि हवा जो है वो पिस्टन वो एग्जॉस्ट में से निकल जाए, एग्जॉस्ट में से ये वहीं पे आनी चाहिए। या इसका ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये अपने को इस साइड रखनी है, इस साइड, वो शायद डॉट भी बना हुआ है, आप यहाँ से देख नहीं पा रहे होंगे। अब देखो इसको मैं थोड़ी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ, वो देख रहे हो आप ये वाला यहाँ से बाहर आएगी। और ये वाली चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो उस स्क्रू के अंदर होनी चाहिए। तो अपने यहाँ से देख लेते हैं कि ये वाला जो है ये यहाँ से है, तो लास्ट टाइम जब हम इसको डालेंगे तो इसका ये वाली जो पोजीशन है ये इधर होनी चाहिए। इसके यहाँ पे एक मैं भी वो लगा देता हूँ, एक निशान ये इसके बिल्कुल सीध में, ताकि मैं लगाऊँ ये। अब मेरे को याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी और मेरे फ्रेंड्स, और जब जब ये वाली जो चीज़ है, जब ये वाली जो चीज़ है, जब ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगा तो आपको ये दिक्कत करेगा कि ये वाली जो है ना तार ये बाहर नहीं आ पाएगी। अगर बाहर नहीं आती तो फिर आप वो ये वाली जो है ये इसका कहाँ पे गया, इसका जो ओपनर है वो उसको आप ना अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि वो तार जो है ना वो उसके अंदर लगेगी, मतलब के अंदर जाने से रोकेगी उसको। जो स्पार्क प्लग का होता है वो आपके वो जो टूल बॉक्स आता है साथ में उसकी उसी के अंदर रहेगी। तो आपको क्या करना है, उस अगर आपकी वायर जो अगर टाइट हो रही है तो आपने जो इसका ये है ना ये निकाल कर और उसका जो मैनुअल डिकम्प्रेसर वाला लीवर होता है ना उसमें से ना ऐसी चीज़ होएगी, कुछ ऐसी सी ये वाला जो तार होएगी ये इसको और उसको आगे उसके ये चीज़ होएगी जो कि अटकती होती है, तो उसको आपको अंदर डाल देना पूरा, जिससे कि ये ना यहाँ से वायर जो है ना वो फ्री हो जाएगी एकदम, फिर बहुत आसानी से निकलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता दिया है क्योंकि जब मैंने जब निकाल रहा था तो फिर ना यहाँ से मैं मेरे हाथ ही आ रहे थे तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो कोई भी ना किसी भी तरीके से आपको मैं दिखा नहीं सकता।
कि मैंने आपको सर कि कैसे निकालना है, तक क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ होंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसलिए मैं वीडियो वो जो है ना वो डाल नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको सारा कुछ ना बातों से बता दिया। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुन के आप आराम से कर सकते हो, जो मैंने लीक मरेसर है उसको साफ सूफ कर दो अच्छी तरह से, काफ़ी गंदा हो जाता है, जो ये ओल्ड मॉडल होते हैं वैसे बहुत गंदे होते हैं क्योंकि पुराने हो जाते हैं काफ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ना जब मैं अंदर डालूंगा तो आपको कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ कि कैसे अंदर डालना है, क्योंकि अंदर डालना ज़्यादा मुश्किल है, स्प्रिंग को जो है ना लोड करना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, खोलना इजी है मगर डालना सबसे मुश्किल है। अगर हो सके तो मैं उसके अंदर भी आपको सारा कुछ बता के कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ये मैंने पेट्रोल ले लिया है और इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से डुबा लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस ब्रश की सहायता से इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगा अच्छी तरह से। ओके, ब्रेक मिलते हैं इसको साफ़ करने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डीकंप्रेसर जो है मैंने लगा दिया है, अब इसको ऑन करके देखते हैं यहाँ से। अभी मैं इसको रखता हूँ, देखना अभी ऑफ पे है, जहाँ पे की यहाँ पे अटक गई, देखो ये देखो अटक गई, और इसको मैंने किया ऐसे दबा दिया, रो देखना अभी छोटा सा किक किया और अब स्टार्ट होएगा, हुआ नहीं, अभी किक अटकी डीकंप्रेस, और ये देखो यार कितनी सुंदर है, कितनी ज़्यादा सुंदर था पैसे, कभी कभी बंद हो जाता है। अब इसकी अगली वीडियो जो है वो ही आई वाली, जो बैकलैश है उसको हटाएंगे, थोड़ी टाइम बढ़ा देते हैं। ये देखो ऊपर से मैं जब ऐसे करूँगा तो ये यहाँ से होगा, इधर है ना, ये जो वेल्व है ये ओपन और क्लोज होता है यहाँ से। एक बार दोबारा से आवाज़ सुना देता हूँ, ये कट गई, डी कंप्रेस किया यहाँ से, आवाज़ वैसे पहले से तो कम हुई है। ओके फ्रेंड्स, ये वैसे मेरे ताऊ जी का बाइक है, उनके पहले यहाँ पे था, जो कि वो आधा टूटा हुआ था, जिनकी वजह से ना उनकी जो पैर के अंदर एक नाड़नस जो थी ना वो दुखने लग गई थी, एक उसको पता नहीं मसल पेन कहते हैं। अब वो जब आएंगे तो खुश हो जाएंगे कि मैंने उनकी बाइक मस्त कर दी, और साथ में ये वाले टैपेट की आवाज़ भी कम कर दी, ये वाला टैपेट तो सही था, ये वाला जो टैपेट था ये ढीला था, इसको मैंने हाथ भी लगाया उसको कर दिया मैंने सही, और ये डी का प्रेशर भी कर दिया, और देख लूँगा ये वाले जो है दो से सही कर दूँगा, फिर ताऊ जी और खुश हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट।